और उनमें थोड़ी भी अगर नैतिकता है, थोड़ी भी शर्म है, तो उनको हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू से निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। राजद के नेताओं के दरवाजे दरवाजे फिर रहे हैं ताकि वो एमपी बन जाएं, जदयू के नेताओं के दरवाजे दरवाजे फिर रहे हैं और इतनी ओछी टिप्पणी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ किया है, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने ओछी टिप्पणी की उससे ये जाहिर हो गया है, लेकिन वो सरकारी अधिकारियों को डराने के लिए उसका उपयोग करते हैं, चंदा वसूली में करते हैं, ये बिहार में सब लोग जानता है। पप्पू यादव जी ने बारसोई में एक सभा की और हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू के बारे में ओछी टिप्पणी की कि रोम जो है सो जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहे थे, कि जो बिहार में राजनीतिक जो घटियापन का दौर चल रहा है उससे हम लोग व्यथित होकर के आप सभी को अपने मन की व्यथा सुनाने के लिए आज आप सभी को आमंत्रित किए हैं। पिछले दिनों बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी पूर्णिया गए थे, एक विशाल होटल का उद्घाटन था, मुख्य अतिथि के रूप में इनको आमंत्रित किया था और हम लोगों से जुड़े हुए मित्र का होटल था, हम लोग गए थे। अखिलेश बाबू के उस उद्घाटन समारोह में जाने के बाद बारसोई की घटना की चर्चा हम दोहराना नहीं चाहते हैं। उस घटना के संबंध में उसी दिन जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने बारसोई में एक सभा की और हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू के बारे में ओछी टिप्पणी की। आपको शायद हो सकता है कि पूरी घटना का विवरण आप लोगों के पास हो। उन्होंने उस उद्घाटन समारोह में शामिल होने के तरफ इशारा करते हुए उन्होंने अखिलेश बाबू पर आरोप लगाया कि रोम जो है सो जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहे थे। और अखिलेश बाबू बारसोई नहीं गए और यहाँ होटल उद्घाटन में चले आए। हम मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे बिहार कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो हमारे पार्टी के प्रतीक पुरुष हैं, जो बिहार का अध्यक्ष होता है वो पार्टी का प्रतीक होता है और हम सबों का सम्मान उनमें निहित है, उनके बारे में जो ओछी टिप्पणी की, आगे जो घटिया शब्द का इस्तेमाल किया, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि जो आरोप है माननीय अध्यक्ष ने बारसोई की घटना के पहले जितने भी बिहार में सियासी दल हैं, सबसे पहले अगर किसी ने हाई लेवल कमेटी जांच के लिए भेजा तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने सीएलपी लीडर के नेतृत्व में दो और विधायक गए, जिसमें वो मिश्रा जी गिरीश बाबू के लड़के और संतोष मिश्रा और ये मनोहर जी, ये दोनों विधायक गए थे साथ में और इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू को सुपुर्द किया और जो कल्पित थे उस घटना के, जो अधिकारी दोषी थे उन पर कार्रवाई करने की मांग की और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया। इसलिए ये लगाना आरोप कि नीरो की तरफ बंसी बजा रहे हैं हमारे अध्यक्ष, तो मैं इनको सावधान करना चाहता हूँ और ये उनसे मांग करता हूँ कि पप्पू यादव जी, जिसको बिहार में एक राजनेता के रूप में उनकी छवि आज तक नहीं बन पाई, वो सांसद जरूर हो गए, विधायक जरूर हो गए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है,
उस अधिकार का उन्होंने प्रयोग करके जनाधिकार पार्टी बना लिया है, लेकिन उस पार्टी का उपयोग वो राजनेताओं के बीच में तो करते ही हैं, लेकिन वो सरकारी अधिकारियों को डराने के लिए उसका उपयोग करते हैं, चंदा वसूली में करते हैं, ये बिहार में सब लोग जानता है। और जिस तरह से उन्होंने ओछी टिप्पणी की, उससे ये जाहिर हो गया है कि वो कभी राजनेता का छवि उनका न था न है और भविष्य में उनका नहीं बनने वाला है, उनकी ओछी टिप्पणी से ये जाहिर हो चुका है। हम पप्पू यादव जी से अपील करते हैं, जो अभी वो कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे फिर रहे हैं एमपी बनने के जुगाड़ में, राजद के नेताओं के दरवाजे फिर रहे हैं ताकि वो एमपी बन जाएं, जदयू के नेताओं के दरवाजे फिर रहे हैं, और इतनी ओछी टिप्पणी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ किया है, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं। और उनमें थोड़ी भी अगर नैतिकता है, थोड़ी भी शर्म है, तो उनको हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू से निश्चित रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। राजनीति में आप कितने बड़े भी चले जाइए, लेकिन असंसदीय भाषा और एक दूसरे को गाली देने की इजाज़त किसी को नहीं दिया गया है, इस संविधान ने इजाज़त नहीं दिया है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।